स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग एसी कैंडिडेटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े उसका एप्लीकेशन पार्ट है। तो एसी जनरेटर अगर आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक मोटर है ना, आप लोग को मैं पढ़ाया था दो या तीन चार लेक्चर पहले, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, वो भी ऐसा ही कुछ डायग्राम था, है ना, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ डायग्राम था, है ना। तो है ना इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें भी थोड़ा है ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से उसको देखे होंगे, है ना, वहां कुछ और चीज हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे। वहां पे बेसिकली है ना क्वाइल को मोशन प्रोवाइड करना था, फोर्स लगवाना था। यहाँ पर क्या है, ये क्वाइल पहले से ही मोशन कर रहा है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसमें इंड्यूस होता है करंट, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो एसी जनरेटर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जनरेटर का क्या काम होता है आप लोग घर में, है ना, पुराने जमाने में जनरेटर तो हर घर में भी रहता था। ठीक है, आजकल छोटा रहता है जनरेटर। तो जनरेटर का काम होता है ना बिजली प्रोड्यूस करना, बेसिकली एक तरह का, है ना। तो वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और एसी क्यों लगा हुआ है, एसी, इस एसी का मतलब क्या हुआ, पिछले लेक्चर में हम बताया था एसी अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ये। यानी यहाँ पे जो करंट आपको मिलेगा यूनिडायरेक्शनल नहीं मिलेगा, यहाँ पर वो हर टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये डायरेक्शन चेंज करता रहेगा करंट, है ना, करंट का हो या वोल्टेज का हो। ठीक है, लेकिन इतना जल्दी चेंज करता है कि आप लोग को पता भी नहीं चलता है। जैसे कि ये बल्ब है ना, एक सेकंड में 100 बल्ब वो जल रही है बुझ रही है, पता चला है क्या अस्तर कभी, नहीं ना। तो वही बात है यहाँ पर, है ना, एक सेकंड में 100 बार चेंज करता है तो पता ही नहीं चलता है ना, आपकी सेंसिटिविटी उतनी है ही नहीं कि वो उसको है ना कर पाए, सेंस कर पाए। तो खैर स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, है ना, पूर्व लिखने की जरूरत नहीं है ना, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो जो भी है ना एप्लीकेशन पार्ट होता है, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना होता है, उसमें प्रिंसिपल पढ़ना होता है। ऑफकोर्स डायग्राम तो रहता है, ये डायग्राम प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ, किस प्रिंसिपल पे वो, किस थ्योरी पे वो वर्क कर रहा है फिजिक्स के। तीसरा पढ़ना होता है हम लोग को कंस्ट्रक्शन, की कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। चौथा वर्किंग, है ना, कैसे वर्क कर रहा है। और पांचवा उसमें कैसे सुधार उधार किया जा सकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रिंसिपल पढ़ लेना चाहिए हम लोग को, प्रिंसिपल आप लोग जान ही रहे हो इसका, इसका प्रिंसिपल क्या है, सिंपल, इफ इफ अ कंडक्टर, इफ अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है, समझ ही रहे होंगे आप लोग कि जब कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाया जाता है ना, बेसिकली कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को काटती है तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है ना। और वो करंट का डायरेक्शन हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे देते हैं, पिछले लेक्चर में मैं बताया था राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से, याद है, ये मोशन का डायरेक्शन होता था कंडक्टर का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता था। तो ये जो डायरेक्शन देगा है ना राइट हैंड का, ये सेंटर फिंगर, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगा। अब मैं इतना लंबा लिखा हूं, है ना, शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन ये तरह का है ना, पॉइंट लिखा हुआ। तो इसका सिंपल भाषा में प्रिंसिपल आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर दिख रहा होगा आप लोग को इंडक्शन। ठीक है, खैर तो प्रिंसिपल का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना, ये जो जनरेटर इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, बेसिकली ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, बेसिकली हॉर्स शू मैग्नेट होता है ऐसे करके, है ना, वो मैं पार्ट दिखा नहीं रहा हूं यहां पर। ये बाबू शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट पे ही क्वाइल ऐसे करके लपेटा रहता है। ठीक है, तो शाफ्ट को मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूं। ठीक है, अब यहां मैं सच्ची ऊंची का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, है ना, उसका क्या मॉडल टाइप का मैं बना रहा हूँ, इसलिए शाफ्ट है ना लाइन से मैं रिप्रेजेंट किया हूं, वो भी डॉटेड। अब होता तो शाफ्ट ऑब्वियसली रेड का होता है, गोल ऐसा होता है। ठीक है,
अब देखो इसको रोटेशन ऑफ कॉइल एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस शाफ्ट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है वायर है, इसको मोशन ही तो प्रोवाइड करना है, तभी तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ हो ही जा रहा है, ठीक है, तो मोशन प्रोवाइड कैसे करवाया जाएगा, इसको रोटेट करवाया जाएगा। अब देखो रोटेट कैसे करवाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये हम लोग का दिक्कत नहीं है ना, रोटेट मतलब पहले से करवाया जा रहा है, ठीक है, बेसिकली मोटर का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, रोटेट करने के लिए तो करते हैं, ठीक है, मोटर का यूज हम लोग करते हैं रोटेट करने के लिए, या रोटेट करने के लिए ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ना हाइड्रो पावर प्लांट में, तो वहां पर कैसे प्रोड्यूस होता है, एक टरबाइन में ना क्या है, पानी गिरता है, वो ऊंचे से टरबाइन को वो रोटेट करवाता है, टरबाइन रोटेट कर रहा है, टरबाइन से ही लगा हुआ शाफ्ट रहता है, उसी में ये सब चीजें रहता है, तो शाफ्ट रोटेट हो गया, फिर उसके बाद कहानी जनरेटर की आ जाती है, ठीक है, तो रोटेशन के लिए बेसिकली है ना हम लोग को पानी ऊपर से इतना नीचे से गिराना होता है, ठीक है, क्योंकि हम मोटर है ना क्या करता है यूज कर रहे हैं, मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी से है ना चलाकर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो ज्यादा ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग है ना हाइड्रो पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में इसको यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे रोटेशन वहां की एनर्जी से मिल जाती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी कहो, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना, ये समझ, अच्छा और मैं समझाना, ये मैग्नेट हो गया बाबू, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, है ना, यहाँ पर मैं एक ही टर्न दिखाया हूँ कॉइल का, यहाँ पे दो तीन टर्न भी मतलब बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर इसी के ऊपर, ठीक है, फिर ये बाबू स्लिप रिंग है, ये जो दो देख रहे हो आर वन और आर टू, ये स्लिप रिंग्स है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स होता था, वहां पे याद है मैं बताया था कि दो ऐसा रिंग पार्ट का होता है लेकिन दोनों आधा टूटा हुआ, मतलब बीच में गैप रहता है वहां पर, ठीक है, वो गैप क्यों रखते हैं, ताकि डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सके, यहाँ पे देखो कोई किसी प्रकार का गैप नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स कर है ना करवाना है, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स अपने आप होते रहेगा इससे, और ये देखो यहाँ पे मैं डॉट से रिप्रेजेंट किया हूँ इसको, डॉट से मतलब क्या हुआ, ये से कनेक्टेड है ना, उसी तरह ये वाला तार इससे कनेक्टेड है, यहाँ बीच में खाली क्या क्यों है, क्योंकि वो अंदर से जा रहा है, ठीक है, तो ये एबी वाला जो पोर्शन वाला जो तार है वो इससे कनेक्टेड है, और सीडी पोर्शन वाला जो तार है वो इससे कनेक्टेड है ना, स्लिप रिंग्स का, ये स्लिप रिंग रोटेट विद कॉइल, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा स्लिप रिंग उसके साथ साथ रोटेट करता है, ठीक है, फिर ये कार्बन ब्रश है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी देखे थे कार्बन ब्रश, क्यों कार्बन ब्रश का यूज करते हैं, ताकि ये भी अगर रोटेट करने लगा ये तार तो नहीं झुलस झुलस जाएगा पूरा बैंकर टाइप से, इसलिए कार्बन ब्रश फिक्स होता है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है लेकिन ये फिक्स है, समझ में आ रहा है इसे, जैसे इस पार्ट को करंट कहां से मिलेगा, ये सीडी वाले पार्ट से इसको मिलेगा करंट, ये बी वन जो ब्रश है कार्बन ब्रश उसको करंट कहां से मिलेगा, ए बी वाला पोर्शन देखो इससे कनेक्टेड है तो वहां से कनेक्शन से यहां से इसको करंट मिलेगा, ठीक है, फिर ये तार है ना, और ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन किधर है ना, करंट को वो देखता है कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आई होप कि आप लोग को कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैं सारा लेबलिंग भी कर दिया हूँ, हमें ये पॉइंट में पूरा नहीं लिखूंगा है ना, इसको आप लोग दो तीन लाइन में लिख लेना है ना, V2 का मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट है ना, ये सब लिख लेना बुक से देखकर, तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं वर्किंग का है ना, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा है ना, राइट हैंड फ्रेमिंग रूल यहाँ पर यूज होने वाला है। अब देखो जैसे ये है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, कौन सा रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, तो ए बी और ये सी डी वाला पोर्शन है, ठीक है, ए बी वाला पोर्शन किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, या बोर्ड में अगर कहा जाए तो अंदर की तरफ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसे करके जाएगा, यहाँ कॉपी नहीं है तुझे, ये मान लो है ना ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि यहाँ पे ऐसे करके रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन पे कोई दिक्कत, ये ए बी वाला ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये ए बी वाला जो है वो अंदर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, और ये सी डी वाला बाहर की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत, तो ए बी अंदर की तरफ जा रहा है, तो याद होगा मैं अंदर के लिए डायरेक्शन कैसे बताता था, क्रॉस करता था, इसका मतलब मैं बोलता था ये अंदर हुआ, डॉट का मतलब होता था बाहर, ठीक है, तो अगर तुमसे कहा जाए कि ये वायर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर मैं क्रॉस रिप्रेजेंट कर दूं इसको, यानी तो बुक में देखोगे तो क्रॉस डॉट यूज नहीं होता है ना, तो ये जो साइन में दिया हूं बेसिकली मोशन का ही साइन दिया हूं, मोशन मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसा मैं समझ रहा हूं ये नीचे गिर रहा है बोर्ड से, ये अंदर की तरफ जा रहा है,
ठीक है, इसके अंदर की तरफ। ये तो क्रॉस ही याद रखो, ये किसका साइन है देखो, इधर नॉर्थ है इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो ये बाबू मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह सीधी वाला पोर्शन देखा गया तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, ये बाहर की तरफ या बाहर की के डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है बुक में, तो मैं भी कर दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे यहां पर राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, है ना, तो राइट हैंड निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, ये इंड्यूस स्ट्रेंथ और ये फोर्स है ना, या मोशन का डायरेक्शन। देखिए इसमें मोशन का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो अंगूठे को अंदर प्लेस कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसको ऐसे प्लेस किए, तो देखिए ये जो आया फिंगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इंड्यूस स्ट्रेंथ का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब इस तरफ बी से ए की तरफ, तो यहां पे हम लोग को बना देना चाहिए इंड्यूस स्ट्रेंथ का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये समझ में आ गया, ये इंड्यूस स्ट्रेंथ का डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर है, बी से ए की तरफ, ठीक है। इसमें सीडी में देखा जाए तो किधर है, फिर से राइट हैंड यूज कीजिए, मोशन बाहर की तरफ मोशन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है ना, इधर की तरफ देखिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मोशन आपकी तरफ आ रहा होगा, है ना, तो ये जो है ना बीच की जो उंगली है सेंटर फिंगर, ये ऊपर की तरफ दे रही है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा ऐसे, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, और ऊपर होना भी चाहिए था ना, ये ऊपर से जाके फिर ऐसे करके फिर नीचे आएगा, है ना, फिर ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे ही होना भी चाहिए था, है ना, ऐसा तो नहीं है इसमें ऊपर इसमें नीचे हो गया इसमें भी नीचे हो गया, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, करंट जा कहां रहा है आ कहां रहा है ना, पूरा सर्किट में तो गोल गोल ही जाना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लीजिए, अब हम लोग आगे देखते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया, फिर अब इसमें थोड़ा सा झमेला होगा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं इसको। ये करंट आया बाबू, ये आया, इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसमें टच ही नहीं कर रहा है ना, पीछे से या बीच से जो खोखलाट है उससे यहां टच कर रहा है। देखिए मैं सिंबल बनाया भी था कि जब दो वायर रहता है, जब मैंने डॉट किया रहता है तो वो टच कर रहा होता है, जब ऐसे ही बना दिया गया तो मतलब टच नहीं कर रहा, ऊपर से पार हो रहा है, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है। तो यहां पर टच किया ये वाला, ठीक है, फिर ये कार्बन ब्रश इसमें आ गया, फिर ये देखिए करंट इसमें जाएगा ऐसे करके, ठीक है, उसी तरह फिर यहां से करंट ऐसे करके आएगा, ये इसमें टच कर रहा है ना, फिर ये देखिए इससे टच कर रहा है, देखिए पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, ये ऐसे करके जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में ये क्या होगा, ऐसे करके हो गया, अब क्या होगा, ये तो ऐसे मूव कर रहा है पूरा, ए भी ऐसे मूव करना शुरू की, मैग्नेटिक फील्ड को काटी तो ऐसा ऐसा हाल हो गया, करंट का इंजेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ देर बाद हाफ रिवॉल्यूशन में सी डी क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा और ए भी इस साइड आ जाएगा, फिर वहां पर क्या होगा, है ना, वो चीज हम लोग को यहां पर देखना है। सीडी इस साइड आ जाएगा, ए बी इस साइड आ जाएगा, मतलब अगर इसका डायग्राम मैं यहां पे बनाऊं, है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, सीडी यहां आ गया, ए बी ये बी है, ये ए हो गया, ये इससे टच हो रहा है, सेम चीज है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है। तो ये क्या है, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सब कुछ लिया लगा सब कुछ, हाँ ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, सीडी में एबी में, है ना, बहुत सिंपल है। फिर से क्या करना है हम लोग को, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाना है। अब देखिए ये सीडी किधर जा रही है, ऐसे करके फिर अंदर ही की तरफ जा रही है, मतलब तो यहां हमेशा अंदर जाएगी और यहां से बाहर ही निकलेगी, तो मैं यहां पर क्रॉस साइन दे देता हूं, यहां पर डॉट साइन, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये मोशन का साइन है और यहां पर इस तरफ मोशन हो रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इधर ही नॉर्थ से साउथ ही होगा, वो तो चेंज कर नहीं रहे। फिर यहाँ पे राइट हैंड प्राइमरी रूल लगाइएगा, है ना, ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मोशन अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, तो देखिए इंड्यूस करंट नीचे की तरफ आ गया, है ना, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें किधर हो गया बाबू, नीचे की तरफ हो गया। उसी तरह यहाँ पे लगाओगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आना भी चाहिए, यहाँ पे हमेशा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन नीचे होगा और इधर हमेशा ऊपर की तरफ होगा, है ना, उतना नहीं भी लगाते दिमाग लगा देते थोड़ा सा। अब देखिए ये ऐसे करके करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें टच करेगा ये, तो फिर देखिए ऐसे करके हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके हो गया, एक सेकेंड सॉरी यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, ये जब मूव करेगा बाबू, है ना, तो देखो यहाँ एक थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, ये वाला नीचे वाला, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जब मूव करेगा, है ना, सीडी किससे टच कर रहा है, बी टू से टच कर रहा है, सीडी किससे टच कर रहा है, बी टू से, है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीडी मूव करके बी टू से टच करेगा, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फिर से, सीडी बाबू बी टू से, है ना, ये बी टू को मैं ऊपर ही करता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो सीडी बी टू से एकदम कनेक्टेड है, है ना, यहाँ एक चीज गलती हो गई थी। फिर एबी किससे कनेक्टेड है, नीचे वाला आर वन से कनेक्टेड है, इसको आर टू ले लेते हैं, तो देखो एबी ऐसे करके नीचे गया, ये आर वन से कनेक्टेड है और यहाँ पे बी वन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तो समझ में आ गया, है ना, ये समझ में आया कि मैं ये चेंज क्यों किया, ना क्योंकि सीडी इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा, है ना, मैं उस टाइम इसको उल्टा टच करवा दिया था, है ना, तो अब फिर से देखते हैं यहाँ पर करंट ऐसे करके आया, इधर से गया, यहाँ पे आएगा, ये इसके साथ टच है, तो देखिए ये बी टू से जाएगा ऐसे करके, ठीक है, और ये बी वन से होते हुए ऐसे होते हुए देखिए ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ पर देखने को क्या मिला है? कि यहाँ पर पहले करंट का डायरेक्शन बी वन से बी टू की तरफ था, है ना, बी वन अगर कार्बन बस को ले लिया जाए तो बी वन से बी टू की तरफ था, अभी क्या हो रहा है, बी टू से बी वन की तरफ हो रहा है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना यहाँ पर, तो बस अल्टरनेटिंग करंट हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो यहां पर आप लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले ड्यूरिंग स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिर उसके बाद आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन क्या हुआ। कभी कभी स्कूल में डायग्राम में, है ना, बोर्ड में पूछ देता है कि ड्रॉ डायग्राम फॉर बोथ, है ना, बिफोर हाफ रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, है ना, तो दोनों डायग्राम बनाना होगा, इसलिए मैं दोनों डायग्राम बना के दे दिया हूँ यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे बुक में दोनों डायग्राम नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्वियसली नॉर्थ पोल साउथ पोल इन सब तो बना ही लोगे ना, ये नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। एक बार फिर से समझा दूं कि वीडियो को पीछे ले जाके फिर से देख लेंगे, है ना, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे करके आ रहा है, इस डायरेक्शन में हुआ सब कुछ, राइट हैंड प्राइमरी रूल लगाए, यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ साथ ये भी चेंज हुआ, देखो सीडी हमेशा आर टू से कनेक्टेड है, यहाँ देखो, तो यहाँ पे सीडी को आर टू से कनेक्टेड रखना होगा, उस टाइम में आर वन से कनेक्ट करवा दिया था जो गलत हो गया था, ठीक है, तो ए बी आर वन से कनेक्टेड रहता है, ए बी देखो आर वन से कनेक्टेड है, फिक्स है ये, ठीक है, कार्बन बस को फिक्स है, बी वन बी टू, तो देखो करंट चेंज हो गया। अब इंडिया में जो क्या होता है, मैं बताया था उस टाइम, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट की, वो बाबू 50 हर्ट्ज होती है ना, नाइन्थ क्लास में फ्रीक्वेंसी सब सुने होंगे, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है ना, ये जो मूव कर रहा है ना, ये 50 रिवॉल्यूशन करता है एक सेकेंड में, समझ लो 50 रिवॉल्यूशन एक सेकेंड में, ठीक है। अब देखो एक रिवॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा, दो बार चेंज होगा, है ना, एक बार इस तरफ था और एक बार दूसरी तरफ हो गया, तो करंट का डायरेक्शन एक रिवॉल्यूशन में दो बार चेंज हो रहा है, तो 50 रिवॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा, 100 बार चेंज होगा, है ना, मतलब एक सेकेंड में 100 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, इंडिया में, है ना, एक सेकेंड में 100 बार चेंज होता है करंट का डायरेक्शन, या यूं कह सकते हैं कि हर 1/100 सेकेंड में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी 1/100 सेकेंड, है ना, फर्स्ट 1/100 सेकेंड में करंट इधर है, फिर नेक्स्ट 1/100 सेकेंड में करंट इधर होगी, फिर नेक्स्ट 1/100 में ऐसे होगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा, तो समझ में आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, है ना, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना, और एक रिवॉल्यूशन में दो बार करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार यहाँ देखो, एक बार यहाँ देखो, है ना, तो
50 सेकंड में 100 बार चेंज होगा, यानी एक सेकंड में 100 बार चेंज हो रही है करंट का डायरेक्शन, तो बस यही अल्टरनेटिंग करंट हो गया, है ना। एसी जनरेटर का पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, जो कि मैं मौखिक बता दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट करते जाना, यहाँ जगह नहीं है मन नहीं करे लिखने का, कि चलो बता ही देता हूं कि यहाँ पे करंट जो मिल रहा है, हमको करंट चाहिए अच्छा, है ना, स्ट्रेंथ उसका अच्छा होना चाहिए करंट का, नहीं तो फिर यूज क्या कर पाएंगे, तो ही ना नियोन का बल्ब जलाने के लिए, जो उसको 0 वाट का बल्ब जलाने के लिए हम लोग इतना मेहनत करेंगे, बल्ब अच्छा खासा बल्ब चलना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा, एक दो पॉइंट तो आप लोग जल्दी से बता दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि मोटर में भी ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे। सबसे पहले ये परमानेंट मैग्नेट से ही दिक्कत है, परमानेंट मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो उतनी पावरफुल नहीं होती है। किससे ज्यादा पावरफुल होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, तो है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। जो रियल लाइफ में जो यूज होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज किया जाता है, समझ में आ रही है चीज। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कॉइल, है ना, क्वाइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बढ़ा दो, वो तो हमेशा हर जगह कर ले, तो दूसरा पॉइंट हो गया इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द क्वाइल। तीसरा पॉइंट है ना, ये सब नोट करते जाना। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये जो एरिया है क्वाइल का, है ना, मैं इतना छोटा बनाया हूं, इसको बड़ा कर सकते हो, है ना, जितना बड़ा करोगे तो वहां करंट का वैल्यू उतना ज्यादा मिलेगा, करंट या वोल्टेज का वैल्यू, तो इंक्रीज द एरिया ऑफ क्वाइल, है ना, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इनफैक्ट जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें फॉर्मूला भी आ जाता है ना, एनबीए साइन ओमेगा टी ऐसे करके, ठीक है, खैर वो सब अलग। तो एरिया हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिए हम लोग, ये रोटेट कर रहे हैं ना कॉइल को, क्यों ना इसको तेजी से रोटेट करवा दिया जाए और तेजी से। तो चौथा पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा क्या, इंक्रीज द आरपीएम ऑफ द कॉइल, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, या यू कह सकते हो इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, है ना, कॉइल का रोटेशन का जो स्पीड है उसको बढ़ा दो। चार पॉइंट यहाँ पे बस ऐसे मिल गया, काफी है चार पॉइंट तो लिखने के लिए, है ना, लिख लोगे आप लोग। सबसे पहले क्या, टेम्पोरेरी मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को बढ़ा दिए। तीसरा, एरिया बढ़ा दिए, ठीक है। चौथा, ये जो रोटेशन हो रहा है उसका स्पीड को हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है सर, नोट कर लिए होंगे आप लोग। और हाँ, एक और काम यह है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं हम लोग, है ना, कॉइल को ऐसे हवा में नहीं लपेटते, सॉफ्ट आयरन कोर में लपेटते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर में इसको लपेट दो, ठीक है, तो फिर है ना और ज्यादा पावरफुल मिल जाएगा। समझ आ गया, 4-5 पॉइंट हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो मिलती है वहां पर कॉइल को रोटेट नहीं करवाया जाता है, वहां पे मैग्नेट को ही रोटेट करवाया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि या तो कॉइल को रोटेट करो तो भी इंड्यूस करंट होगा, या तो मैग्नेट को रोटेट करो या मूव करो, याद है कॉइल के अंदर मैग्नेट मूव करते थे तो भी, है ना, क्या कहता है, क्या होगा, रोटेशन होगा, वे इंडक्शन होगा, करंट इंड्यूस होगी। तो रियल लाइफ में जो होता है, मैं ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोग को, है ना, क्या कहते हैं, जो पावर हाउस में जो होता है ये चीज, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उसी को रोटेट करवाया जाता है, कॉइल फिक्स रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल वो फिक्स रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही, है ना, रोटेट करवाया जाता है बहुत हाई स्पीड के साथ, है ना, तो इंडक्शन होता है करंट का, समझ में आ रहा है ये चीज। लेकिन हाँ, हम लोग को, है ना, मैग्नेट को हमेशा फिक्स रखते हैं, कॉइल को ही रोटेट करते हैं, इनफैक्ट 12th क्लास में भी ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया, है ना, ऐसा कुछ डायग्राम आता है, मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन आता है, ये टाइम है, ये मान लो करंट है, देखो कुछ देर के लिए करंट पॉजिटिव है, फिर निगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव होगी, फिर निगेटिव होगी, साइन कर रहा है ना, साइन पढ़ोगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस, तो ये साइन साइनसोइडल आता है। तो आई होप के एसी जनरेटर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब एक छोटा सा हल्का सा एनसीईआरटी में है ना डिस्क्रिप्शन है किसका, डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर, यानी वहां पे जो करंट मिलना है हम लोग को एक ही डायरेक्शन में मिलना है, यहाँ पे तो 2 डायरेक्शन में मिल रहा है करंट, है ना, वहां पे हम लोग को एक ही डायरेक्शन में अगर करंट चाहिए तो फिर क्या करना होगा, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्ट जनरेटर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब देखो ये डिटेल में कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, डायरेक्ट करंट जनरेटर का वर्किंग सेम एज इलेक्ट्रिक मोटर है,
इलेक्ट्रिक मोटर में जो है ना चीजें यूज करते हैं वही डायरेक्ट करंट जनरेटर में भी यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे वहां याद है स्लिप रिंग नहीं यूज करते थे, वहां पे हम लोग स्प्लिट रिंग यूज करते थे जिसको कॉम्यूटेटर भी कहा जाता है ना, याद होगा ऐसे करके रहता है ठीक है। उससे क्या होता है बाबू, अगर यहां पर इमेजिन करना थोड़ा सा, ये ऐसे करके है ठीक है, इसको डायग्राम बना दो है ना, मैं ये वाला पोर्शन नहीं बना रहा था, ये ऐसे करके बना दीजिए ठीक है, अच्छे से ही बना देता छोटा सा डायग्राम बनाया, उसको इतना ही बड़ा बनाना होता है ना, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ठीक है, इसको भी मान लो ऐसे ऐसे घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो सब कुछ तो वही चलेगा, इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा ठीक है, ऐसे करके जाएगा, ये देखो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पोर्सन इससे कनेक्टेड है तो ये ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके चला गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन क्या होगा, ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, तो सीडी इधर आ जाएगा है ना, मैं अब जो ब्लैक पेन से लिखा वो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन का, सी डी ऐसे हो गया, ए बी ऐसे हो गया, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, वो अभी भी इसी तरह है ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटर यहां आ जाएगा, ये कॉम्यूटेटर यहां आ जाएगा, लेकिन कुछ फर्क मालूम चलेगा भी नहीं ठीक है, तो मान लो कि ये ऐसे में बना दिया ऐसे करके ठीक है, तो फिर भी देखो अभी भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा हमेशा ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये स्प्लिट रिंग, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कहा जाता है, स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर, तो कॉम्यूटेटर के लगाने से क्या होता है, ये जो यहां पे इसके साथ कनेक्टेड रहता था तो डायरेक्शन को रिवर्स ही कर देता था ये हमेशा, यहां पर क्या हो रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है, बीच में गैप है ना, तो ये घूम के जब ऐसे आता है ना, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है, करंट का डायरेक्शन अभी भी ऐसे ही होता है, एक बार इलेक्ट्रिक मोटर देखोगे तो वहां में अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था, तो ये डीसी जनरेटर हो गया है ना, ये डीसी जनरेटर हो गया, तो बस एसी जनरेटर भी पढ़ लिए, डीसी जनरेटर भी पढ़ लिए है ना, मैं चाहूंगा कि है ना थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो है ना, इस डायग्राम को ऐसा ही करके अच्छा सा डायग्राम बना देना ठीक है, और फिर उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेना पॉइंट वाइज है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम बताया मेरी समझ में आ गया होगा है ना, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला इधर चेंज होते रहता है, ये आपस में कनेक्टेड है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रिवर्स होने का, तो हो गया एसी जनरेटर खत्म, डीसी जनरेटर खत्म, तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, बस एक लेक्चर बच गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, थोड़ा सा बोरिंग है वो, बोरिंग नहीं मतलब जो घर में जो यूज होता है वो बोरिंग कैसे हो सकता है ठीक है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज यूज के बारे में ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो यहीं तक आता है ना, वो खत्म हो चुका है, तो आप लोग एसी जनरेटर तो हमेशा 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है, मैं हर साल देखता हूँ 10th बोर्ड में है ना, क्या कहते हैं एसी जनरेटर या इलेक्ट्रिक मोटर में से किसी एक पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम ये सब पूछ देता है 3 या 5 नंबर में ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से फेयर कर लेना ठीक है, मैं तो बस डिस्क्राइब किया हूँ, 1-2 बार वीडियो देख लेना दोबारा, और फिर बुक से है ना, क्या कहते हैं अगर आपको इंग्लिश किसी वीक है आपकी ग्रामर तो बुक से नोट कर लेना, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।